जी अस्सलाम वालेकुम ऑल, कैसे हैं आप सब लोग? आज हम एक नई ट्रेनिंग के साथ हाजिर हैं ताकि आपको हम नॉलेज दे सकें, ताकि हम आपको अवेयर कर सकें और आपको खूबसूरत बना सकें। ओरिफ्लेम इज ऑल अबाउट लुक ग्रेट, मेक मनी एंड हैव फन। सो लुक ग्रेट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन ओरिफ्लेम। और जैसे आपको पता है, बहुत शदीद सर्दी पड़ रही है इस वक्त पंजाब में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में। और जब मौसम कोई भी शदीद होता है, वी आर वन ऑफ दोज लकी नेशंस, मतलब लकी कंट्रीज के लोग के जहाँ पर चार मौसम आपको देखने को मिलते हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में गर्मी और सर्दी बहुत शदीद होती है। हम लोगों ने इस विंटर के हिसाब से आप लोगों को बहुत सी स्किन केयर पे भी बात की और बहुत सी चीजों पे बात की। आज हमारा जो मेजर टॉपिक है, दैट इज अबाउट हेयर केयर, और आप कैसे कर सकते हैं विंटर्स में। इसके लिए जिनको मैं यहाँ बुलाना चाहूंगी, वो आजकल माशाल्लाह माशाल्लाह आई एम सो हैप्पी, वो बहुत अच्छा फॉलो अप भी आप कर रहे हो महम, और सब कुछ। हमारी बहुत एनर्जेटिक मैनेजर हैं, बहुत एनर्जेटिक लीडर हैं, और बहुत रिसर्च बेस्ड काम भी करती हैं। तो आप सबकी भरपूर तालियों में, जो मुझे आवाज़ नहीं आ रही, तो मैं बुलाऊंगी महम को, वो आएंगी और आपको ये प्रेजेंटेशन डिलीवर करेंगी। जी महम, ओवर टू यू। जी अस्सलाम वालेकुम मेरा, थैंक यू सो मच। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? मुझे बस ये बता दीजिए। यस यू आर, मुझे तो है। फाइन है। हाँ हम जी बिल्कुल माहम, आपकी आवाज सही आ रही है। थैंक यू सो मच। मैं बस इसलिए थोड़ी सी डर भी थी क्योंकि मेरा लैपटॉप नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता है इसके बारे में, तो इस वजह से मैं ये मेक श्योर करी थी कि मेरी आवाज़ सबको आ रही हो। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और थैंक यू सो वेरी मच, आप लोगों ने वीकेंड पे थोड़ा सा टाइम निकाल के सेशन को ज्वाइन किया। मेरी पूरी कोशिश है कि मेरे पास जितनी हेयर केयर की नॉलेज है मैं आपको पास ऑन करूँ, ताकि आप लोग अपने कॉन्टैक्ट्स में पास ऑन कर सकें। थोड़ा सा सबसे पहले मैं विंटर हेयर प्रॉब्लम्स के सर्वे के बारे में बात करूंगी, जो मैंने लास्ट वीक किया था अपने व्हाट्सएप के सोशल सर्कल पे। मैंने अपने तमाम कॉन्टैक्ट्स को एक छोटा सा क्वेश्चन लिख के भेजा कि आप लोगों को कौन सा सबसे ज़्यादा विंटर्स का हेयर प्रॉब्लम आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो मुझे मिला है प्रॉब्लम, दैट इज़ द ड्राइनेस एंड डैंड्रफ। उसके बाद मुझे प्रॉब्लम सुनने को मिला हेयर फॉल, और उसके बाद मुझे स्प्लिट एंड्स। इसका मतलब ये है कि मोस्टली 80% के लिए मुझे यही जवाब सुनने को मिला कि जो हमें ड्राइनेस स्कैल्प पे बहुत ज़्यादा है और डैंड्रफ बहुत ज़्यादा है, उसके बाद हेयर फॉल का, और उसके बाद स्प्लिट एंड्स का। तो इसी प्रॉब्लम्स को देखते हुए फिर हमने सोचा कि इनके सॉल्यूशंस हम आपके सामने पेश करते हैं। विंटर्स हैं, फेस्टिव सीजन्स हैं, हर जगह शादियां चल रही हैं, पार्टीज इन ईच एंड एवरीथिंग, तो क्यों ना हम थोड़ा सा विंटर हेयर केयर फॉर ब्राइडल्स के बारे में बात करें कि उनको क्या मतलब विंटर्स में हेयर केयर करनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ डेली रूटीन हेयर केयर की बात करूँगी, उसके बाद में वीकली रूटीन की, और उसके बाद में मंथली की। सबसे पहले हम आ जाते हैं अपनी डे हेयर केयर रूटीन के ऊपर। अच्छा, डेली हेयर केयर रूटीन में ऑब्वियसली हमारा शैम्पू कंडीशनर आ जाता है। जिन लोगों की स्कैल्प ऑयली है उन लोगों को तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि वो डेली शैम्पू करें या ऑल्टरनेट डेज पे करें, ठीक है। मेरा डेली रूटीन में शैम्पू नहीं आता, मैं 2-3 दिन छोड़ के करती हूँ क्योंकि मेरी नॉर्मल टू ड्राई स्कैल्प है, राइट। तो जिन लोगों की नॉर्मल टू ड्राई स्कैल्प है वो उनकी वीकली रूटीन में शैम्पू कंडीशनर आ जाता होगा, जिनकी ऑयली है उनकी डेली रूटीन में आ जाता होगा। ये स्कैल्प टू स्कैल्प टाइप पे डिपेंड करता है कि आपकी स्कैल्प टाइप क्या है, तो आपने कितने अरसे बाद शैम्पू करना है, कितने अरसे बाद नहीं करना, ठीक है। अब शैम्पू और कंडीशनर किस तरीके से करना है, ये भी एक बहुत बड़ी टेक्निक है कि आपने किस तरीके से शैम्पू करना है। आप नॉर्मली जिस तरीके से हम हल्के से बाल हमने गीले किए, हमने शैम्पू लिया और हमने शैम्पू कर लिया, एक मेथड होता है जिसको हम कहते हैं हेयर इन्वर्जन मेथड टेक्निक। ये पुराने ज़माने में हमारी नानियाँ दादियाँ बहुत अच्छे से बताती आ रही है, लेकिन हमने कभी उसके ऊपर गौर नहीं किया। और अब गोरे गोरियाँ जो है ना, वो भी इसके ऊपर काफ़ी मतलब गौर करने लगे। वो वही है जिसमें आप सर उल्टा करके, ठीक है, जैसे एक बहुत पुरानी खातून थी ज़ुबैदा तारिक, आप लोगों का नाम उनका सुना होगा, वो हमेशा ये कहते हैं कि जब आप कंघी करें तो सर उल्टा करके करें। ये वही टेक्निक है, इसको हम हेयर इन्वर्जन टेक्निक मेथड कहते हैं कि आप जब आप शैम्पू करें, मैं भी ये करती हूँ, मैं शावर में खड़ी होती हूँ, मैं उल्टा सर करती हूँ, हल्के से बाल गीले किए, थोड़ा सा शैम्पू किया, और मैंने नीचे से लेके अपने बालों को नीचे किया, और फिर मैंने अच्छी तरह मैं मसाज करती हूँ स्कैल्प को। इससे ये है कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी अच्छा होता है, वो भी आपकी हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है, राइट। उसके बाद वही कंडीशनर, ऑब्वियसली हमने चूंकि एंड्स पे करना होता है, तो मैं फिर सर को सीधा करके एंड्स के ऊपर अपना मिड लेंथ से लेके बिल्कुल एंड्स के ऊपर मैं अपना कंडीशनर अप्लाई करती हूँ, और फिर मैं रिंस आउट कर लेती हूँ। अच्छा, इसके बाद अब क्योंकि हमें थोड़ा सा सर्दियाँ हल्के गर्म पानी से सर धोना पड़ता है, तो
तो जाहिर है गर्म पानी आपको पता बालों के लिए अच्छा नहीं है, तो अब सबसे एंड पे आप लोग क्या करेंगे कि एक डोंगा ले लें बाथरूम में, उसमें ठंडा यख पानी तो आजकल आपको पता है कि नलके में आ ही रहा है, ठंडा यख पानी आपने डोंगे में लिया, ठीक है, और आपने आपके जो मिड लेंथ से लेके आपके जो आखिर तक बाल हैं वो आपने उस ठंडे यख पानी में डाल देने हैं कोई 1 से 2 मिनट, 1 से 2 मिनट डाल दें, ठीक है। और अगर कोई ठंडा पानी स्कैल्प पे बर्दाश्त कर सकते हैं तो स्कैल्प के ऊपर भी डाल दें, क्योंकि हेयर एक्सपर्ट्स जब भी हेयर मास्क लगाते हैं या डीप कंडीशनिंग करते हैं पहले ल्यूक वार्म वाटर से धोते हैं, उसके बाद आखिर में ठंडे पानी से वो लाजमी धोते हैं, क्योंकि ये बालों को शाइन भी देता है, ठीक है। तो अगर कोई डाल सकता है अल्टन में तो ज़रूर डाले, अगर नहीं डाल सकता तो आप मिड लेंथ से लेके बालों के आखिर तक ही आप उसको ठंडे यख पानी में डालें 1-2 मिनट के लिए और फिर उसको निकालें। उसके बाद हमारी डेली रूटीन में आ जाता है कि हम बालों को कॉम कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं और कहाँ से शुरू करते हैं। आपने अपने बालों को एक तो टॉवल को 5 मिनट से ज़्यादा सर पे नहीं रखना, बल्कि अगर टॉवल ना ही यूज़ करें तो बेहतर है, आपके पास अगर कोई पुराना सा कपड़ा जैसे कोई पुरानी बनियान शनियान सॉफ्ट सा कपड़ा हो उसको लपेट लें, ठीक है, उसको भी पाँच मिनट से ज़्यादा ना लपेटें, उसको उतार दें। और उसके बाद आपने क्या करना है कि आपके जो नीचे के बाल हैं ना मिड लेंथ से लेके नीचे तक के, उसको आपने फिंगर कॉम करके, ठीक है, फिंगर कॉम थोड़ा सा उसको करें, और आपका जो हेयर सीरम होता है हेयर सीरम आप उस पर अप्लाई करें। हेयर सीरम नहीं कोई ऐसा मसल, कोई सा भी ऑयल आपके पास पड़ा हो, बेसिकली यू हैव टू हाइड्रेट द एंड्स, आपने उनको हाइड्रेट करना होता है, ठीक है। वो आपने फिंगर कॉम करके वहाँ पे आपने या तो हेयर सीरम अप्लाई कर दिया या फिर आपने कोकोनट का कोई भी आपका ऑयल आपके पास पड़ा आपने वो अप्लाई कर दिया, ठीक है, हल्का सा, बहुत हल्का सा, ज़्यादा नहीं करना, बहुत कम करना है, और फिर हल्का सा मिड लेंथ से लेके नीचे तक आपने उस पर ब्रश करना है, राइट। उसके बाद जब आपके 60% बाल सूख जाएंगे ना, जब आपके 60% बाल ड्राई हो जाएंगे, तो आपने कोशिश ये करनी है कि बाकी बालों को हल्का सा ब्रश कर लें और हल्का सा जूड़ा बांध के ना क्लिप लगा लें। ये मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि नॉर्मली ये जो फ्रिजीनेस होती है कि जी अक्सर लड़कियाँ कहती हैं हमारे बालों में फ्रिजीनेस हो गई, विंटर आ गया, बालों में ये हो गया, बाल खड़े खड़े लगते हैं, वो इस वजह से खड़े खड़े लगते हैं कि हम नहा के बालों को खुला छोड़ देते हैं, वो जब खुला छोड़ देते हैं तो वो फ्रिजीनेस आ जाती है, ठीक है। 60% जब आपके बाल ड्राई हो गए, हल्का सा, बहुत स्लाइट सा, आपने कस के जुड़ा नहीं बांधना, बहुत लूज सा आपने बंद बांधना, चुटकी लगा लेनी है, वो भी आई थिंक 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद आप अपने बाल खोल लें, इससे क्या होगा कि आपका जो मॉइस्चर है वो बालों के अंदर लॉक हो जाए। अगर आपके बाल बहुत सॉफ्ट रहेंगे, रूखे रूखे और फ्रीजीनेस नहीं होगी, और उसके बाद आपके बाल आप नॉर्मल टेम्परेचर पे एयर ड्राई, अपने बालों को आप एयर ड्राई करें, ठीक है। तो ये कुछ छोटी छोटी टिप्स थी जिनसे हम बहुत से हेयर प्रॉब्लम से बच सकते हैं। जैसे ये जो टिप मैंने आपको बताई आपको ये फ्रीजीनेस से बचाएगी, और जो मैंने आपको ठंडे पानी वाली बताई ये आपको स्प्लिट एंड से वो आपके रिड्यूस करेगी, राइट। और वाइट टूथ कॉम यूज़ करें, वो आपके बालों को बहुत इजीली जो आपकी नॉट्स बन जाती हैं बालों में उसको डिटैंगल करेगा, तो इसलिए हमेशा जब भी करें वाइट टूथ कॉम यूज़ करें। और कोशिश करें कि आपका वुडन ब्रश हो, वुडन कॉम हो या वुडन ब्रश हो, उसकी वजह ये है कि जो वुडन कॉम या वुडन ब्रश होता है ना वो आपके बालों के जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं ना स्कैल्प पे वो बाकी की लेंथ को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो वुडन ब्रश और वुडन कॉम इट्स वेरी वेरी हेल्पफुल हेयर टूल फॉर योर हेयर ग्रोथ एज वेल, ठीक है। वुडन कॉम अगर नहीं भी है तो कोशिश करें कि आप वाइट टूथ कॉम तो डेफिनेटली करें ताकि आपको डिटैंगलिंग में आपको हेल्प आउट करें, राइट। तो ये तो थी कुछ डेली हेयर केयर की रूटीन, राइट। और इसी में अगर मैं ब्राइडल्स की भी बात करूँ साथ साथ, तो अब वीकली रूटीन की बात कर लेते हैं कि वीकली रूटीन में जी हमारे पास जो चीज़ें आती हैं वो आती हैं जी हर्बल हेयर रिंस। पहले ज़माने में होता था जी कि वो जो मलकाएँ होती थी, शहजादियाँ होती थी, जो उनके बालों को हम गुलाब की पत्तियों वाले पानी में डिप करते थे और कंघे पे भी लगाते थे ताकि खुशबू आए, तो यही वाली जो टेक्निक है आजकल की ब्राइडल्स भी यूज़ कर सकती हैं। वो क्या कर सकती हैं कि हर्बल हेयर रिंस तैयार करें, अपने बाथरूम में रखते हैं, आपके पास कुछ जार हो, चाहे शीशे का जार हो चाहे प्लास्टिक का जार हो, उसमें आप गुलाब तो आजकल हर जगह मौजूद है, गुलाब की पत्तियाँ डालें, पानी डालें, उसको एक रात या छोड़ दें या उसी वक्त डालें, और आप अपने जो आपके मिड लेंथ और जो एंड तक की आपकी जो लेंथ होती है उसमें उनको डिप कर दें, ठीक है। ये हमने करना है शैम्पू कंडीशनर के बाद, ये एक एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट है ना बालों की, शैम्पू कंडीशनर के बाद आप ये हर्बल हेयर रिंस यूज कर सकते हैं। तो जो ब्राइडल्स हैं वो तो रोज वाटर वाला जो हर्बल हेयर रिंस है पहले धोएंगे और हल्का हल्का सा सिर्फ ऊपर से, ये देखें आपको लाके दे रही हूँ ये, तो आपने ना हेलो ये हेलो ओके जी,
मैं ये कह रही थी कि जैसे ब्राइडल्स है तो वो रोज़ वाटर के साथ हर्बल रिंस करें, ठीक है, ताकि उनके बालों से खुशबू आए. इसी तरीके से जिनके बालों में डैंड्रफ होती है वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं. वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी जब हम हाउसवाइफ्स और स्टूडेंट्स की बात करूंगी, अभी सिर्फ हम ब्राइडल्स पे ही रहते हैं, ठीक है. तो ब्राइडल्स जो हैं वो रोज़ हेयर रिंस अपना बना के रखें वॉशरूम के अंदर. जैसे अगर 1 महीने बाद शादी है, 2 हफ्ते बाद शादी है, तो वो शैम्पू और कंडीशनर के बाद ये वाली हेयर टेक यूज कर सकते हैं, इस तरह के बालों में खुशबू आएगी, ठीक है. उसके बाद अच्छा, डेली केयर रूटीन में एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गई, आपका स्लीपिंग हेयर स्टाइल. आप किस तरीके से अपने बालों के साथ सोते हैं, आपका हेयर स्टाइल क्या होता है जब आप सो रहे होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. लोग इस चीज़ को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते. हेयर एक्सपर्ट ये कहते हैं कि आप कोशिश करें कि आप लूज ब्रेड बना के सोएं, हल्की सी लूज चुटिया बना के सोएं, ठीक है. और अपना जो पिलो कवर है वो आपका सिल्क का होना चाहिए, क्योंकि आप रात को बहुत दफ़ा करवटें बदलते हैं, कभी इधर बदलते हैं कभी इधर बदलते हैं, तो वो आपके पिलो कवर और आपके बालों के दरमियान फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो जाती है, जिसके वजह से हेयर ब्रेकेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं. तो पिलो कवर यूज़ करें तो सिल्क का पिलो कवर यूज़ करें, ठीक है. और रात को जो आपका हेयर स्टाइल होना चाहिए वो कोशिश करें कि वो लूज सी चुटिया हो, ताकि आपके बाल डैमेज ना हो. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इस बात पे लोग तवज्जो नहीं देते. और गीले बालों के साथ आपने नहीं सोना. जब हमारे बाल गीले होते हैं उनमें 90% चांसेस होते हैं टूटने के, बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल होते हैं. तो बाल अगर आपने धोने भी हैं तो मेक श्योर करें कि सोने से 3-4 घंटे पहले आप धोएं, ताकि आपको गीले बालों के साथ सोना ना पड़े, आपके बाल डैमेज ना हो. ओके, जी हाँ, वीकली रूटीन की बात कर रहे थे तो ब्राइडल्स यूज़ करेंगी, हर्बल हेयर रिंस. और उसके अलावा जी ब्राइडल में अगर हम वीकली रूटीन की बात करते हैं तो जी डीप कंडीशनिंग आप करेंगी ट्वाइस अ मंथ. वैसे तो हम सजेस्ट करते हैं डीप कंडीशनिंग वंस इन अ मंथ, इट इज़ मोर देन इनफ. लेकिन क्योंकि ब्राइडल्स की आजकल की लड़कियों के आपको पता है हेयर ट्रीटेड बाल हैं, हर किस्म का केमिकल लगाया होता है, उनकी शादी होने वाली है, तो वो महीने में 2 दफ़ा डीप कंडीशनिंग ब्राइडल्स कर सकती हैं. वैसे ये मंथली रूटीन में आता है डीप कंडीशनिंग, ठीक है जी. इसके अलावा ब्राइडल्स ये कर सकती हैं कि जी आप कोशिश करें कि आप अपने शावर पे फिल्टर लगाएं इन ऑर्डर टू अवॉइड द क्लोरीन और जो वो डैमेजिंग केमिकल्स होते हैं जो आपके बालों को डैमेज कर सकते हैं, उसको अवॉइड करने के लिए अगर आप हो सके तो शावर फिल्टर्स मिलते हैं बाजार से, आप वो लगा लें तो आपका जो पानी है जो वो होगा एक प्योर फॉर्म होगा, आपके बालों को सेफ रखेगा, राइट. और सेफ हेयर स्टाइलिंग टूल्स यूज करें. जाहिर है ब्राइडल्स को रोल्स भी बनाने हैं, स्टाइलिंग करनी है, मेहंदी पे, शादी पे, मुख्तलिफ तकरीबात पे, दावतें होंगी शादी के बाद, उसको तरह तरह की मतलब हेयर स्टाइलिंग करनी होती है, तो कोशिश करें कि ब्राइड जो है वो सेफ हेयर स्टाइलिंग को यूज़ करें, राइट. आगे जाके इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी जो हमारे पास सेफ हेयर स्टाइलिंग टूल्स हैं, हम उनको भी डिस्कस करेंगे. गुड फूड इनटेक, अपना खाना अच्छा रखें. इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट स्लाइड पे गुड फूड देख के भी बात करेंगे. अब हम आते हैं जी हेयर केयर फॉर हाउसवाइफ्स एंड स्टूडेंट्स के ऊपर. ये स्लाइड मैंने इसलिए स्पेशली तैयार की थी क्योंकि ये दोनों कैटेगरीज जो हैं, हाउसवाइफ हैं और जो स्टूडेंट्स, आपको ना जिनके पास टाइम नहीं होता. स्टूडेंट्स के पास पढ़ाई का इतना बर्डन है आजकल, ज़रूरत से ज़्यादा ही हमारे एजुकेशन सिस्टम ने पढ़ाई का बर्डन डाल दिया, और हाउसवाइफ्स के पास जैसा कि आप तस्वीर में देख लें कि हाउसवाइफ्स के पास वैसे ही टाइम नहीं होता. तो कुछ क्विक हेयर केयर टिप्स, कुछ डेली रूटीन की, कुछ वीकली रूटीन की जो वो कर सकती हैं बहुत कम टाइम में. अवॉइड फ्रीक्वेंट शैम्पूइंग, कोशिश करें शैम्पू कम से कम करें, ठीक है. वो जैसे मैंने कहा ऑयली स्कैल्प है तो आप रोज़ाना भी कर सकते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर नॉर्मल टू ड्राई हैं तो 2 दिन या 3 दिन छोड़ के करें उसको. अच्छा, आप लोग ये भी कर सकते हैं कि बहुत सारे हेयर एक्सपर्ट्स टेक्निक्स भी बताते हैं कि किस तरीके से आप अपना शैम्पू का जो टाइम पीरियड है वो बढ़ा सकते हैं. उसकी भी कुछ मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं. वो कुछ लोग कहते हैं कि जो आप स्कार्फ ले लें, कुछ लोग कहते हैं कि आप कोशिश करें कि वो जो पाउडर होता है बेबी पाउडर, तो अगर आपका हल्का सा ऑयल आ रहा है उसको कहते हैं, लेकिन अवॉइड करें कि अगर ज़रूरत है तो शैम्पू करें, अदरवाइज नहीं, राइट. उसके बाद जी ऑयलिंग वंस इन अ वीक, ये वीकली रूटीन में आ जाता है. ये जो डैंड्रफ का प्रॉब्लम आता है ज़्यादातर खवातीन को, उन्हीं लोगों को आता है जिनके पास टाइम नहीं होता. मेरे पास जो 80% जवाब आए हैं उनमें वो प्रोफेशनल वर्किंग वूमेन है जिनके मुझे जवाब आए कि हमें डैंड्रफ हो रही है, जिससे मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि उनके पास टाइम ही नहीं होता और वो जल्दी जल्दी गर्म पानी से नहा लेते हैं, उनका स्कैल्प ड्राई होता है और ड्राइनेस डैंड्रफ कॉज करती है, ठीक है. तो हाइड्रेटिंग योर स्कैल्प इज द ओनली वे टू अवॉइड डैंड्रफ. अपनी स्कैल्प को आप जितना हाइड्रेटेड रखेंगे आपको डैंड्रफ का इशू नहीं आएगा, ठीक है. अब हाइड्रेशन के लिए आप ऑयलिंग
जो सदियों से एक है जी, हमारी नानियाँ दादियाँ ऑयलिंग करती थी, आप अपने ऑयलिंग करें अच्छे तरीके से। अगेन ऑयलिंग में मैं कहूँगी यही वाला हेयर इन्वर्जन टेक्निक आप यूज़ करें, सर अपना उल्टा करें, मसाज करें। ऑयलिंग में भी आप यही टेक्निक यूज़ करें जो आप शैम्पू में करते हैं, ठीक है। हेयर प्रोटेक्टिंग स्टाइल वही, इन लोगों के लिए भी वही है चुका था कि आज जब आप सोएं तो आप एक लूज चुकिया बना के सोएं। वंस इन अ मंथ आप अपने बालों को ट्रिम जरूर करना है, ये भी आपके स्प्लिट एंड्स को रिड्यूस करते हैं। विंटर्स में कुछ लोग महीने में दो दफ़ा भी ट्रिम करते हैं बालों को, ठीक है, लेकिन वंस इन अ मंथ तो लाजमी है कि आप लोग अपने बालों को ट्रिम करें। तो ट्रिमिंग भी मंथली रूटीन में आपका आता है। अच्छा जी, यूज़ अ माइल्ड नेचुरल शैम्पू ट्वाइस अ वीक। अब ये कुछ ऐसी टेक्निक है जो मैं खुद भी यूज़ करती हूँ, मैं आप लोगों के साथ ये ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। मैं शायद पहले भी बता चुकी हूँ कि आमले रीठे शिका का आपने पाउडर फॉर्म में ले लिए, ठीक है, और इसके साथ अगर आप मेथरे दाने ले लें, एक टीस्पून मेथरे दाने, ज़्यादा नहीं लेने, सिर्फ एक टीस्पून लेने, इसका आप मिक्सचर बना के आप उसको पानी में उबाल के उसको आप स्प्रे बना लें। ये भी आपने वीकली रूटीन में आपका आता है, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि काइंडली अपना माइक म्यूट कर दीजिए प्लीज़, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आप रोज़ वाटर का रिंस तैयार कर सकते हैं, एप्पल साइड विनेगर का तैयार कर सकते हैं, इसी तरीके से आप आमले का भी रिंस तैयार कर सकते हैं, ठीक है। ये भी वीकली रूटीन में आता है, आप हफ्ते में दो दफ़ा आमले कर लें, या अगर आपके पास टाइम नहीं तो दो दफ़ा पानी की बॉटल से उसको स्प्रे करें और आप पानी से धो लें, बाद में आप कंडीशनर कर लें। आमले इज़ फुल ऑफ वाइटामिन सी, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं आमले में। आप यकीनली जब मैंने पिछले साल 6 महीने आमला यूज़ किया, मुझे कोई खुश्की, कोई हेयर फॉल, कोई कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं, इट इज़ फुल ऑफ विटामिन सी, और मेरा हेयर लॉस इसी से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हुआ है। लेकिन इसमें माइल्ड शैम्पू में, नेचुरल माइल्ड शैम्पू में ये प्रॉब्लम होती है, जब आप ऑयलिंग करते हैं तो इसको वॉश नहीं कर सकता, तो आपको साइड पे ऑब्वियसली एक ऑर्गेनिक शैम्पू रखना है जो आपके ऑयल को निकाल दे। आमले से जो है आपका जो तेल है बालों से वो नहीं निकलता, तो ये इसलिए ये वीकली रूटीन में आप इसको ऐड कर सकते हो, वंस इन अ वीक और ट्वाइस इन अ वीक, डिपेंड्स ऑन यू आपके स्कैल्प टाइप क्या है उसके हिसाब से। लेकिन ये आपके डैंड्रफ को भी दूर करेगा, आपके स्कैल्प को भी जेंटल रखेगा, उसके पीएच लेवल को भी बैलेंस करेगा, आपके जितने भी हेयर केयर के प्रॉब्लम्स हैं अगर आप इसको वीकली रूटीन में ऐड कर लेंगे तो आपके ये ज़्यादातर हेयर प्रॉब्लम्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा हाउसवाइफ स्टूडेंट्स ये कर सकती हैं कि वो अपने कमरे में एक ह्यूमिडिफायर या स्टीमर, जिस तरह हम स्टीम लेने के लिए एक स्टीमर किसी भी फार्मेसी की दुकान से आपको मिल जाएगा, उसमें आप पानी उसमें भरें। मैं क्या आजकल करती हूँ कि आजकल चूँकि ऑरेंजेस आए हुए हैं तो जो ऑरेंजेस बच्चे खाते हैं उनको धो के पानी में पानी भर के स्टीमर के अंदर और 2-3 मिनट को डाल के ऑरेंजेस के छिलके, और मैं स्टीमर ऑन कर देती हूँ। एक तो ये कि कमरे में चूँकि हीटर वगैरह ऑन होता है तो उससे ये बहुत ज़्यादा ड्राइनेस नहीं होती कमरे के अंदर, हल्का सा स्टीमी स्टीमी होता है, और जो ऑरेंज की फ्रेगनेंस है दैट साउंड्स वंडरफुल, वो भी बहुत आपको फ्रेश कर देता है। तो उससे ये होगा कि आपके बालों को भी असर होगा कि बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होंगे आपके बाल जब आप एक ऐसे कमरे में बैठेंगे जिसमें स्टीमर ऑन होगा। हार्डली, ये नहीं कि आपने हर वक्त ही ऑन रखना, आई थिंक जब अब आप कमरे में बैठे हो तो 1-2 घंटे के लिए आप उसको ऑन कर सकते। वंस अगेन, डीप कंडीशनिंग वंस इन अ मंथ आप ज़रूर करें। डीप कंडीशनिंग की मैं आपको तरकीब बता देती हूँ, बिल्कुल वैसे ही है कि आपने बिल्कुल आपके टॉवल ड्राई बालों हल्के से गीले हों बराए नाम, अब वही आपने मिडिल लेंथ से लेके एंड तक आपने कंडीशनर लेना है, कोई सा भी आप कंडीशनर ले सकते हैं। मेरा फेवरेट कंडीशनर है मिल्क एंड हनी का कंडीशनर, क्योंकि उसमें मिल्क भी है हनी में, वो बहुत अच्छी हाइड्रेशन करता है, राइट। और आपने हल्का सा पानी लगा के बालों को, और आपने वही छोटी छोटी लटे लेंगे तो आपने उसको कंडीशन करना है, और उसके बाद लिफाफा शिफाफा लगा लें 1-2 घंटे बाद, 40 मिनट तक आप उसको लगा रहने दें, आप उसको रिंस कर लें। और डीप कंडीशनिंग के अगले 2 दिन आपने शैम्पू नहीं करना, ठीक है। डीप कंडीशनिंग की कोशिश करें 1 दिन तक तो बिल्कुल ना करें, उससे अगले दिन शैम्पू कंडीशनर करें तो आपके बाल बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। अच्छा जी, अब आते हैं कि मॉइस्चराइजिंग शैम्पूज और कंडीशनर जो मैं यूज़ करती हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, हेयर एक्स की रेंज। अच्छा, मैं जो आजकल यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ द हेयर एक्स कलर रिवाइव, चूँकि मुझे फैमिली से वाइट हेयर्स का प्रॉब्लम इनहेरिटेड है तो मैंने बहुत जल्दी डाई यूज़ करना शुरू कर दिया था, तो उससे मेरे बाल डैमेज होना शुरू हो गए, अब मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं क्या करूँ। देन मेरी सिस्टर ये हेयर एक्स का कलर रिवाइव ओरिफ्लेम से परचेज करती थी, मैंने कभी नहीं यूज़ किया था, लेकिन मैंने सोचा कि चले मैं इसको अब यूज़ करके देखती हूँ। तो इट्स अ वेरी वेरी गुड
शैम्पू अगर आप मंथली डाई लगाते हैं तो आप इसको ज़रूर यूज़ करें। इसमें जो मौजूद है चीज़ें दैट इज़ फाइटो न्यूट्रेंट्स, इसमें फ़ाइटो न्यूट्रेंट्स मौजूद हैं और इसमें कलर रिफ्लेक्शन सिस्टम मौजूद है, यूवी फिल्टर्स हैं जो कि आपके बालों के कलर को फेड नहीं होने देता, ये हाईलाइट्स को भी, अगर किसी के हाईलाइट्स हैं या लो लाइट्स हैं उसको भी फेड नहीं होने देता। और ये रिसर्च बेस्ड है कि 90% लोगों ने एग्री किया है कि ये जो है आपके कलर डाई को, आपके हाईलाइट्स को ये फेड नहीं होने देता। तो मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कलर रिवाइव के साथ, और अभी मैं आपके साथ आखिर में शेयर भी करूँगी कि जो मेरी हेयर केयर रूटीन है उसमें ये शामिल है। अच्छा, इसके साथ हेयर एक्स का जो रिपेयर है मैंने ये भी यूज़ किया है, ये भी बहुत अच्छा है। इसमें माइक्रो कैरेटिन मौजूद है और ये आपके 7 साइंस ऑफ डैमेज हेयर को जो है वो कैटर करता है। उसमें ड्राइनेस आ जाती है, फ्रिजीनेस आ जाती है, स्प्लिट एंड्स आ जाते हैं और आपकी मैनेजेबिलिटी आ जाती है आपके बालों की। तो मैं स्विच करती रहती हूँ, कभी मैं कलर रिवाइव यूज़ कर लेती हूँ, कभी मैं थेरेपी वाला यूज़ कर लेती हूँ। बोथ आर एक्सलेंट। और जो लास्ट वाला आप देख रहे हैं दैट इज़ द हेयर एस वेदर प्रोटेक्ट, ये दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड शैम्पू कंडीशनर। ये इसमें बेसिकली ये वेदर शील्ड टेक्नोलॉजी के साथ है एक्सट्रीम वेदर्स के लिए, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है या बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा सर्दी है तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। व्हाट डज इट डू कि ये एक स्पेशल सी फिल्म जो है आपके बालों के ऊपर कोटिंग सी बना देता है जो कि मॉइस्चर को लॉक कर देता है, राइट। और ये प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट यूवीए, यूवीबी और फ्री रेडिकल से। तो ये भी बहुत अच्छी रेंज है शैम्पू कंडीशनर। आप वो लगाते थे ना जब पहले आजकल के सीजन के हिसाब से, उससे बहुत आपको फर्क पड़ा था गर्मियों में, टोनर लगाया करो ये व्हाइट वाला। काइंडली अपना माइक म्यूट कर दीजिए प्लीज, थैंक यू। अच्छा, तो ये हेयर एक्स के बारे में मैं यहाँ एक और बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि हेयर एक्स की पूरी रेंज में, क्योंकि ऑनलाइन रिव्यूज़ मैंने हेयर एक्स के पढ़े, 80% मुझे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले, कलर रिवाइव के भी बहुत अच्छे रिव्यू। हेयर एक्स के बारे में जब मैंने इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में पढ़ा तो इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं हेयर एक्स की टेक्नोलॉजी में दैट इज़ द सोयाबीन ऑयल, सोयाबीन ऑयल मौजूद है और इसमें सैफ फ्लावर मौजूद है। सैफ फ्लावर को जब मैंने स्टडी किया कि सैफ फ्लावर के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, विटामिन ई मौजूद है, और सैफ फ्लावर को अगर आप लोग गूगल पे सर्च करो तो सैफ फ्लावर जो है हेयर एक्सपर्ट्स हेयर लॉस ट्रीटमेंट्स में अपने प्रोडक्ट्स के अंदर यूज करते हैं। आई वॉज रियली अमेज टू सी दैट कि हेयर एक्स की रेंज में सैफ फ्लावर ऑयल यूज किया जाता है और सोयाबीन, सोयाबीन से तो हम सभी वाकिफ हैं कि सोयाबीन ऑयल की कितनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो गो फॉर दिस रेंज, हेयर एक्स की रेंज बहुत अच्छी है, स्पेशली जिस जो ऑयल्स इसमें हम यूज़ करते हैं, चाहे वो सोयाबीन हो चाहे वो सैफ फ्लावर हो, सैफ फ्लावर आपकी हेयर ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। और यही वजह हेयर एक्स रिपेयर की, जिसने भी यूज़ किया उनकी जो है ग्रोथ बहुत अच्छी होनी शुरू हो गई है। ठीक है, नाउ वी कम टू वीकली रूटीन हेयर केयर प्रोडक्ट्स। उसमें हमारे पास हेयर एक्स का ही हमारे पास मास्क है, हॉट ऑयल। हॉट ऑयल हमारा बहुत ही ज़बरदस्त, मेरा हॉट फेवरेट प्रोडक्ट है। मैं जब भी ऑयलिंग करती हूँ कोकोनट की, कल भी मैंने इसी तरीके से हॉट ऑयल से हल्के बालों को गीला किया, इसको थोड़ा सा गर्म करके, कोशिश करें सर्दियों में गर्म करके ऑयल करें, बहुत अच्छा एब्जॉर्ब होता है। इतना भी तेज़ ना गर्म करें कि आपके सर को प्रॉब्लम हो, हल्का गर्म करके उसको लगाएं स्कैल्प के ऊपर, रूट्स पे, और मसाज करें। ठीक है, तेल गर्म हो, हल्का गर्म हो और रूट्स के ऊपर करें, मसाज करें, और हॉट टॉवल आप उसके ऊपर लपेट लें 1 घंटे के लिए, उसके बाद आप वो जो शैम्पू कंडीशनर आप लोग करते हैं, तो ये भी वीकली रूटीन में आता है, आप भी इसको वंस इन अ वीक कर सकते हैं। अगेन एज वाइफ का हमारे पास मास्क भी मौजूद है। अच्छा, मास्क लगाने की टेक्निक मैं बता दूँ, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है कि जी मास्क किस तरह लगाना है, ये मैं हेयर एक्स के हेयर एक्सपर्ट्स की ही आपको टेक्निक बता रही हूँ कि वो ये कहते हैं कि आपने हल्का सा स्कैल्प, मतलब बालों को गीला, टॉवल ड्राई होने चाहिए, आपके बाल साफ़ होने चाहिए और टॉवल ड्राई होने चाहिए, उसके बाद आपने प्रोडक्ट लेनी है और उसको आपने स्कैल्प से लेके नीचे एंड्स तक लेके जाना है, उसको मसाज करें और उसके बाद आप उसको कॉम करें ऊपर से लेके नीचे तक 3 से 4 दफ़ा। ठीक है, 3 से 4 दफ़ा करें और उसके बाद 15 मिनट बाद, 10 मिनट बाद धो लें, क्योंकि हेयर एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जी आपकी जो हेयर प्रोडक्ट होती है वो 10 मिनट से ज़्यादा, तो सिर्फ 10 मिनट चाहिए होते हैं एब्जॉर्ब करने के लिए, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप 20 मिनट, 25 मिनट या आधा घंटा लगा के बैठेंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं, 10 मिनट के अंदर अंदर आपकी प्रोडक्ट हेयर के अंदर चली गई है।
ठीक है, तो उसकी जरूरत नहीं होती। और आप उसको फिर हल्के पानी से पहले धोएं, उसके बाद ठंडे पानी से, तो आपके बाल बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, उनमें शाइन भी आएगी। सो दिस वॉज अबाउट वीकली रूटीन हेयर केयर प्रोडक्ट्स। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड, राइट, ये हेयर स्टाइलिंग सेफ टूल्स जिनकी मैं बात कर रही थी ब्राइडल्स के लिए और उन तमाम खवातीन के लिए जिन्होंने शादियों पे जाना है। ज़ाहिर है स्टाइलिंग बहुत ज़रूरी है शादियों पे, पार्टीज पे जाना है, तो कौन से ऐसे सेफ हेयर स्टाइलिंग टूल्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैं बात करूँगी हेयरक्स हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे की, ये जैसे मुझे भी बहुत शौक है स्ट्रेटनिंग का, अगर मैंने किसी शादी पे जाना तो मैं कर्ल शर्ल नहीं करती, मुझे स्ट्रेट बाल ही अच्छे लगते हैं, तो मैं स्ट्रेट करके जाती हूँ। तो व्हाट आई डू इज़ कि मैं सबसे पहले अपने बालों पे हल्का सा ये स्प्रे करके उसके बाद जो है मैं अपने स्ट्रेटनर को 220 से ज़्यादा हीट पर नहीं रखती, ठीक है, क्योंकि 220 से ज़्यादा अगर मैं रखूँगी तो ये स्प्रे पर काम नहीं करेगा और इससे ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती क्योंकि बाल डैमेज हो जाते हैं। आप अपने स्ट्रेटनर को 220 डिग्रीज पर रखें और फिर अपने बाल स्ट्रेट करें, आपके बाल बिल्कुल भी डैमेज नहीं होंगे। उसके बाद हेयर एक्स वाइट टूथ कॉम आ जाता है, इसकी रेंज आ जाती है, जैसे कि मैंने बताया कि वाइट टूथ कॉम बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर टू रिड्यूस द स्प्लिट एंड, आपके बालों को डीटैंगल करने के लिए। इसके भी बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं ऑनलाइन, 70% लोगों ने कहा है कि इससे हमारे जो बाल हैं बहुत जल्दी सुलझ जाते हैं इस कॉम से, और ये स्कैल्प के ऊपर बहुत जेंटल होता है ये वाला वाइट टूथ कॉम जो है। अब आ जाती है 3D कर्ल ब्रश। हीटलेस कर्ल्स जो हैं आजकल ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं लोग, क्योंकि ज़ाहिर है हीट जो है आपके बालों को डैमेज ही करेगी। अगर आप किसी हीटिंग टूल से अपने कर्ल्स डालते हैं, कुछ करते हैं, तो बाल तो डैमेज होने ही होने हैं, ठीक है। तो इससे बेहतर नहीं है कि हम कोई ऐसा ब्रश यूज़ कर लें कि जिससे हमारे कर्ल्स भी आ जाए, हमारे बाल भी ना डैमेज हों। तो 3D कर्ल ब्रश आजकल बहुत ज़्यादा इन है, इन लोगों का भी और इफ्लेम वालों का बहुत ज़बरदस्त 3D कर्ल ब्रश है। आप इसको यूज़ करें तो आपके बाल बगैर डैमेज हुए आप इजीली अपने बालों को कर्ल्स कर सकते हैं। नेक्स्ट वे कम टू हेयर एक्स शाइन स्प्रे। हेयर एक्स शाइन स्प्रे के भी बहुत ज़बरदस्त रिव्यूज़ हैं, मेरे पास बहुत ऐसे कस्टमर्स हैं जिन्होंने इसके बहुत अच्छे रिव्यूज़ दिए हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स में भी सोयाबीन ऑयल, विटामिन एफ विच इज़ रिच इन फैटी एसिड्स, और ये क्या करता है कि ये आपके बालों को बहुत ज़्यादा शाइन देता है विद द ग्लॉसी फिनिश। और अगेन इसके ऑनलाइन रिव्यूज़ अगर आप चेक करें तो वो भी बहुत अच्छे हैं। तो ये भी आप पार्टीज़ में, शादियों में आपने जाना तो आप उसको भी ये यूज़ कर सकते हैं। ओके जी, अब सबसे बड़ा जो है कि खाना, हमने प्रोडक्ट्स की बात कर ली, लगाने की बात कर ली, लेकिन अब हम उन चीज़ों की बात करेंगे जो अगर हम खाएंगे तो मेरा ख्याल है आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारा हेयर फूड है जो हमें डेली रूटीन में लेना चाहिए, दैट इज़ द बायोटिन। बायोटिन इज़ हम रोज़ाना जो डेली रूटीन में खाते हैं, जिसमें आ जाता है एग्स आ जाता है, जिसमें फ़िश आ जाती हैं, नट्स आ जाते हैं, सीड्स आ जाते हैं, स्पिनच पालक जो कि आजकल आई हुई है, ब्रोकली है, स्वीट पोटैटोज हैं, ये तमाम बहुत अच्छे सोर्सेज हैं ऑफ बायोटिन। अगर आपने नेचुरली सोर्स ऑफ बायोटिन लेने हैं तो आपको ये तमाम चीज़ें डेली रूटीन के इनटेक में डालें तो आपको फ़ायदा होगा। बायोटिन के कैप्सूल्स भी हैं, लेकिन बायोटिन के कैप्सूल्स जो हैं उनको एक टेक्निक से खाना पड़ता है, जैसे अगर क्योंकि एक 10,000 mcg की होती है, 5,000 mcg की होती है, जो 10,000 mcg की आपको ऑल्टरनेट डेज पे खानी पड़ती है, 5,000 mcg की आपको आप रेगुलर बेसिस पे खा सकते हैं। आजकल जो शोबिस की जितनी भी कराची की खवातीन हैं, ये बहुत सी कंपनीज के बायोटिन कैप्सूल जो है वो एक टेक्निक से ही यूज़ कर रही हैं, और फिर आपको बीच में एक महीने बाद गैप भी देना पड़ता है। तो बेहतर है कि आप नेचुरल सोर्सेज लें बजाय इसके कि आप कैप्सूल खाएं, लेकिन अगर कोई कैप्सूल प्रेफर भी करता है तो वो आपको एक टेक्निक से खाने पड़ेंगे। प्लस जो प्रेग्नेंट खवातीन है और जो फीड कराती हैं वो बायोटिन कैप्सूल्स नहीं खा सकती, तो आपने अपने डॉक्टर से पूछ के बायोटिन कैप्सूल्स खाना है, ठीक है जी। तो अगर आपकी बॉडी में बायोटिन की डेफिशेंसी है, आपके बाल पतले होंगे, वॉल्यूम नहीं होगा आपके बालों में, ठीक है, तो उसको वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए आपको अपनी फूड इनटेक जो है वो बायोटिन से भरपूर रखनी पड़ेगी। उसके बाद आया था जी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। जितनी भी फिशेज आजकल मौसम है उन तमाम फिशेज में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको मिलेंगे। वॉलनट्स में, अखरोट में बहुत अच्छा फैटी एसिड्स होता है, ठीक है। फ्लैक्स सीड्स एंड शिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स हैं जी अलसी के बीज, और शिया सीड्स होते हैं तुखमलंगा। फ्लैक्स सीड्स को आप बहुत मुख्तलिफ तरीक़ों से अपने खाने में यूज़ कर सकते हैं, जैसे अगर कोई सीरियल नाश्ते में खा रहा है आप उसके ऊपर स्प्रेड कर सकते हैं, सैंडविच कोई मायोनीज का सैंडविच है उसके ऊपर आप स्प्रिंकल कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के ऊपर आप फ्लैक्स सीड्स स्प्रिंकल कर दें, अपनी सलाद के ऊपर आप कर सकते हैं, ठीक है।
तो फ्लैक्स सीड्स आर ऑल्सो ए वेरी गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स. उसके बाद विटामिन डी, विटामिन डी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. विटामिन डी हमें जो पाकिस्तान में जो मतलब है उसमें दही बहुत ज़्यादा है आजकल, ऑरेंज जूस आया हुआ है आप उसको ले सकते हैं. बीफ लिवर, उसके अंदर बहुत अच्छा विटामिन डी होता है. और चीज़ इन तमाम चीज़ों के अंदर हमें विटामिन डी मिलता है. काइंडली अपना माइक म्यूट कर दी. ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बाद हमारे पास आता है लाइसिन. जी, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बाद आता है लाइसिन. अच्छा, लाइसिन हमारे बालों के रूट्स में भी मौजूद होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है शेप और वॉल्यूम का. ठीक है, लाइसिन इज बेसिकली अमाइनो एसिड्स. ठीक है, तो लाइसिन का जो नेचुरल सोर्स है लाइसिन का, वो क्या है जी? मीट, एग्स, बीन्स, लोबिया जो होता है, दालें, लेंटल्स, नट्स, ये तमाम जो नेचुरल सोर्सेज हैं लाइसिन के. तो लाइसिन अगर आप चाहते हैं कि आपके बालों का वॉल्यूम अच्छा हो, उसकी शेप अच्छी हो, तो इसका जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये अपनी फूड इनटेक में आप लेना शुरू करते हैं. राइट, आयरन डेफिशिएंसी आपको हेयर लॉस करती है. जिंक डेफिशिएंसी आपको ड्राई स्कैल्प करती है. प्रोटीन डेफिशिएंसी आपको हेयर डलनेस और थिन हेयर्स की तरफ लेके जाती है. तो आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि आपकी बॉडी जो है वो आयरन डेफिशिएंट ना हो, जिंक डेफिशिएंट ना हो और प्रोटीन डेफिशिएंट ना हो. ठीक है जी, उसके अलावा वाटर, तो ऑब्वियसली हाइड्रेशन. जब हमारी स्किन को हाइड्रेशन चाहिए होती है, तो हमें हमारे बालों को भी हाइड्रेशन चाहिए होती है लाजमी. कोशिश करें सर्दियों में, जिस तरह मैं हर एक को कहती रहती हूँ, गर्मियों में 16 ग्लास एक दिन में, और सर्दियों में कम से कम भी अगर आपसे नहीं पिया जाता 8 गिलास पानी तो लाजमी पिए. जिस तरह स्किन को ज़रूरत है, इसी तरह बालों को भी पानी की बहुत ज़रूरत है. ओके जी, ये मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट स्लाइड है, स्ट्रेस एंड हेयर केयर. क्योंकि मैं लोगों को बहुत ज़्यादा इस बात पे कहती हूँ कि स्ट्रेस को कंट्रोल करना सीखें. आजकल तो वैसे ही देयर इज स्ट्रेस इन द एयर बिकॉज ऑफ कोविड. हम जहाँ भी सुनते हैं खुदा ना खासा किसी की या तो कोई कोविड में मुबतला हो चुका होता है या किसी की डेथ हो चुकी होती है. बहुत ज़्यादा आजकल ये सुनने को मिला, सो देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस इन द एयर. तो उसको अब हम उससे डील कैसे कर सकते हैं? व्हाट आई डू इज मैं क्या करती हूँ, कनेक्ट विद द नेचर. मैं वॉक पे निकल जाती हूँ, मुझे कोई स्ट्रेस हो, समझ ना कुछ आ रहा हो, मैं वॉक पे निकल जाती हूँ. दरख्तों को देख के, मुख्तलिफ टाइप के दरख्त देख के मुझे बड़ा सुकून मिलता है. कभी आप नंगे पैर घास पे चल के देखें, आपको बड़ा सुकून मिलेगा. मुझे समंदर को देख के बड़ा सुकून मिलता है. जो कराची वाले बड़े लकी हैं, लाहौर में तो कोई समंदर है नहीं, क्योंकि समंदर को जब आप देखते हैं तो आपका दिमाग बहुत ज़्यादा काम डाउन होता है. तो मैं वैसे YouTube पे देख लेती हूँ समंदर को, तो उससे भी काम डाउन हो जाती हूँ. तो हर एक का डिफरेंट होता है. इसके अलावा अगर आप नेचर से करीब तरीन प्रोडक्ट्स भी यूज़ करते हैं ना, जैसे और ये फिल्म की बहुत अच्छी नेचर से करीब तरीन एक रेंज है लव नेचर की. इनकी मैंने इनका शैम्पू ड्राई वाला एंड डैमेज वाला यूज़ किया. मैं जब भी लव नेचर के शैम्पूज यूज़ करती हूँ, आई फील क्लोज टू नेचर. राइट, तो आप लोग ये भी कर सकते हैं कि लव नेचर के जो शैम्पूज वगैरह हैं, अगर आप अच्छी प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे जो प्रोडक्ट्स नेचर से करीब तरीन हैं, तो आपको तब भी अच्छा फील होगा और आप रिलैक्स फील करेंगे. पॉजिटिव अफर्मेशंस अपने कमरे में, पॉजिटिव अफर्मेशंस लिख के लगाएं कि मैं ये, जैसे अगर आप कोई टास्क करें दैट आई कैन डू दिस एट दिस टाइम या आई विल डू दिस इंशाल्लाह एट दिस टाइम. राइट, तो पॉजिटिव अफर्मेशंस, क्योंकि जहाँ हर तरफ जब नेगेटिविटी होती है ना, तो फिर हमें पॉजिटिविटी पे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है. फोकस इन द सेंस कि आप, चूँकि जैसे फैली हुई है हर तरफ कोविड की नेगेटिविटी, तो आप पॉजिटिव अफर्मेशंस जो हैं पोस्टर पे लगा के अपने कमरे में लगा देते हैं. वी विल गो थ्रू दिस, दिस टाइम शेल पास, ये वक्त भी गुजर जाएगा. इस तरह की जो वर्ड सेंटेंसेज आप लिख के अपने कमरे में लगाते हैं, तो वो जब आप ऑन एंड ऑफ आप देखते रहते हैं, तो उससे भी आपका स्ट्रेस काफ़ी लूज होता है. फ्री स्टाइल ड्राइंग, मैं पेन पकड़ा, मैंने स्केचबुक पकड़ी और मैंने स्केचिंग करनी शुरू कर दी. आप कोई भी फ्री स्टाइल ड्राइंग करते हैं, आप उससे भी उसका जो है आप काफ़ी स्ट्रेस जो है ना आपका कम होता है. कुछ भी आपको नज़र आ रहा है आप उसको ड्रॉ करना शुरू करते हैं. आपने कुछ ड्रॉ नहीं भी करना, वैसे ही लकीरें मारना शुरू कर दें पेपर के ऊपर, आपका वैसे ही थोड़ा सा स्ट्रेस जो है ना वो कम हो जाता है. बिल्कुल आप सही कह रही हैं.
बस मेरा पे समंदर के साथ कोई खास कनेक्शन है, मैं समंदर को देख के बहुत ज्यादा, आप सही कह रही हैं, ग्रीनरी को भी देख के बहुत ज्यादा डिप्रेशन कम होता है। ग्रीनरी को देख के आपकी आई साइट बहुत अच्छी होती है, आपका विजन बहुत अच्छा होता है, आपका डिप्रेशन भी कम होता है। ठीक है, अपने आपको किसी प्रोजेक्ट में मसरूफ कर लें किसी टारगेट के साथ, किसी डेट के साथ कि मैंने जी इतने लोगों को डेवलप करना है या मैंने इतने टाइम पे मैंने इस लेवल पर पहुंचना है, उससे भी आपका स्ट्रेस कम होता है। यकीन करें जो ओरिफ्लेम के जो भी टारगेट्स होते हैं मेरा उससे 70% स्ट्रेस कम डाउन होता है, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं होता कि मैं सोच सकूँ जी फलाने ने मुझे ये बात क्यों कही, मेरे पास टाइम ही नहीं होता मैं सोच सकूँ कि आज ये वो जिस तरह क्यों देखा, मेरे पास टाइम ही नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिजी होती हूँ अपनी टीम्स के साथ, सेशंस दे रही हूँ, ले मैं उनको ग्रूम कर रही हूँ जो थोड़ा सा मतलब परेशान हो जाती है कि हमसे काम नहीं होता, मैं उनको इनक्रेज कर रही हूँ, मैं इसी में मसरूफ रहती हूँ और इससे मेरा स्ट्रेस बहुत कम रहता है, मुझे टाइम का पता ही नहीं चलता कब सुबह हुई कब नहीं हुई। तो अपने आप को एक प्रोजेक्ट दें, ठीक है, तो इससे भी आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा। सबसे लास्ट स्लाइड है ये है जी मेरे विंटर हेयर केयर एसेंशियल, जैसे कि मैंने कहा आजकल मैं कलर रिवाइव जो है मैं यूज़ कर रही हूँ और मुझे इसको इस शैम्पू कंडीशनर को यूज़ करके मुझे नहीं फील होता कि जी मेरे बाल डाई हुए हुए थे, इतने सॉफ्ट और इतने वो मतलब नेचुरल लुक आती है कि नहीं लगता कि हाँ जी हमने डाई भी किया था। ठीक है, और इसके अलावा हेयर थेरेपी, ये जो हेयर थेरेपी है ये भी मैं स्विच करती रहती हूँ, इस मतलब कभी मैंने कलर रिवाइव का यूज़ कर लिया, कभी मैंने थेरेपी का यूज़ कर लिया, और आप देख सकते हैं कि मेरी आमला की जो बॉटल्स पे जो मैं हफ्ते में एक या दफ़ा ज़रूर करती हूँ वो भी पड़ी हुई है, और जब मैंने स्ट्रेटनर करना होता है तो मैं ये जो हेयर प्रोटेक्टिंग स्प्रे है इसको भी यूज़ कर लेती हूँ। तो जी थैंक यू सो वेरी मच, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे टाइम दिया। अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो ज़रूर करें, हैव अ ग्रेट हेयर डे ईच डे, और कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। जी थैंक यू महम, इट वॉज फैबुलस लाइक ऑलवेज, माशाल्लाह माशाल्लाह, अब तो आप प्रो हो गई हैं और बहुत ही अच्छी आपने डिटेल में एक आम औरत जो घर में हाउस वाइफ, एक ब्राइड्स टू बी या कोई वर्किंग या स्टूडेंट, सबका आपने हर पॉइंट को जिसमें फूड बहुत इम्पोर्टेंट है और कैसे प्रोटेक्शन की जा सकती है, हर चीज को बहुत ही ज्यादा डिटेल में आपने डिस्कस किया, विच फैबुलस। तो मतलब मुझे तो बहुत मजा आया है, बहुत नई नई चीजें सुनने को समझने को मिली है, तो थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का। जी आप लोगों का कोई सवाल हो तो डेफिनेटली पूछिए, अनम्यूट कर लीजिए और पूछिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाँ जी, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड, और महम का जो स्टाइल है बोलने का बड़ा ही प्यारा, धीमा सा, बड़ा मजा आता है सुनने में भी, बड़ा अच्छा लगता है। और आपसे अच्छा नहीं बोल सकती आप तो, माशाल्लाह। नहीं नहीं, मैं तो विद राइट प्रोनाउंसिएशन और यानी जिस तरह आप लेके चलते हो बड़ा मजा आता है, मैं तो उसको एक एक स्लाइड को आंखें फाड़ फाड़ के देख रही होती हूँ, सुन रही होती हूँ, आई रियली एंजॉयड एंड वेरी इन्फॉर्मेटिव एज वेल, बहुत अच्छा। और जहाँ वो बात हो रही थी ना, सी वाकई बहुत ही अमेजिंग है, एक जो है एलिमेंट है टू ये स्ट्रेस निकाल, दिमाग से निकालने का और रिलैक्सिंग, तो साथ साथ हमारी ग्रीनरी है, हमारे साथ साथ बाकी अपने आप को जो बिजी रखना है, मेरा ख्याल है दैट इज दी मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसका जो है क्लू जो है ना, बिल्कुल है। और पॉजिटिव, मैं वो हर एक से कहती हूँ कि सांस नंदों के, उनसे निकले सब, और झगड़ों से और मसाइल से, और जिसने ये कह दिया।